वेब सीरीज तांडव के मामले में आज से यूपी की पुलिस भी अपनी जांच शुरू करेगी। यूपी पुलिस कल ही मुंबई पहुंच गई है। यूपी के लखनऊ, सोनभद्र और मिर्जापुर में तांडव से जुड़ी टीम पर एफआईआर दर्ज की गई है और इसी सिलसिले में इन तीनों जिलों की टीम मुंबई पहुंच गई है। हालांकि इस मामले में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी होना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर, प्रोड्यूसर हिमांशु मेहरा, स्क्रिप्ट राइटर गौरव सोलंकी समेत चार लोगों को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है। माननीय उच्च न्यायालय ने तांडव ये वेब सीरीज के राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को अंतरिम ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल मंजूर की है। हमने कोर्ट के सामने ये दलील पेश की कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, उस एफआईआर के चलते हमें ये डर है कि हमारी अरेस्ट मुंबई में हो सकती है, और उस वजह से हमने मुंबई उच्च न्यायालय में ये दलील पेश की कि हमको ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल दी जाए, ताकि हम उत्तर प्रदेश के जो कोर्ट हैं वहाँ जाकर के जो अप्रोप्रिएट रिलीफ है वो अप्रोप्रिएट कोर्ट में एप्लीकेशन कर सके। माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी दलील को स्वीकारते हुए हमें 3 हफ्तों का समय दिया है। अफ्रीकी देश ट्यूनिशिया में क्रांति की 10वीं बरसी पर शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही, जिसके बाद वहां के प्रधानमंत्री को खुद सामने आना पड़ा। 10 साल पहले ट्यूनिशिया से ही अरब क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद ट्यूनिशिया समेत कई देशों के तानाशाहों को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। लेकिन बेरोजगारी, महंगाई और तानाशाही के खिलाफ लड़ी गई उस जंग से भी जब कुछ नहीं मिला, तो 10 साल बाद लोग फिर सड़कों पर उतर आए। जल्द ही ये प्रदर्शन हिंसक झड़पों में बदल गया। देखते ही देखते पूरा ट्यूनिशिया जलने लगा। कई शहरों में दंगे भड़क उठे। सेना तैनात करने के बावजूद जब हालात संभालना मुश्किल हो गया, तो आखिरकार वहां के प्रधानमंत्री को सामने आना पड़ा। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनकारियों के गुस्से को जायज ठहराया और शांति की अपील की। وغضبكم مشروع ودوري ودور الحكومه ان نعمل। इससे पहले राजधानी ट्यूनिस समेत कई शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। गुस्साए लोगों ने जगह जगह आगजनी की और सड़कों पर कब्जा जमा लिया। कई इमारतों और दफ्तरों को भी नुकसान पहुंचाया गया। कई जगहों पर तो उपद्रवियों की सुरक्षा बल के साथ हिंसक झड़पें हुईं। बाद में हिंसा से जूझ रहे इलाकों में शांति बहाली के लिए सेना उतार दी गई, जबकि बड़ी तादाद में उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। टीएमसी विधायक और ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले अरिंदम भट्टाचार्य बीजेपी में शामिल हो गए, जिन्हें बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में पार्टी की सदस्यता दिलाई। बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के सामने अरिंदम भट्टाचार्य ने पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी में शामिल होते ही उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने भी गले लगाकर उनका गर्मजोशी से पार्टी में स्वागत किया। बीजेपी में आते ही उन्होंने राज्य की ममता सरकार पर निशाना साधने में देर नहीं लगाई। हम काम नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे विजन, जो हमारा टारगेट था, हम उसे अचीव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें रोका जा रहा है, काम नहीं करने देंगे। वहीं अरिंदम भट्टाचार्य के टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जाने की दलील पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने पलटवार किया और उन्हें दल बदलू बता दिया। वो पहले लेफ्ट सपोर्टेड कांग्रेस एमएलए था, फिर कांग्रेस से तृणमूल में आया, फिर तृणमूल से भाजपा में नाम लिखाया। हमारा बेस्ट विशेष उनका साथ है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कानून को सही बताया। आधार कार्ड कानूनी तौर पर बना रहेगा, इसके खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने आधार कानून को सही बताया था। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया। सरकार का तर्क है कि ड्रैगन नाम होने से इस फल को चीन से जुड़ा समझा जाता है, इसीलिए इसके नाम में बदलाव किया गया। अभी कमलम किया, अपने इंडिया में प्रोडक्शन ज्यादा होगा, हमको सस्ता भी पड़ेगा और थोड़ा सेल्स भी ज्यादा बढ़ेगा। राजस्थान में कांग्रेस के विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का निधन हो गया। वो 48 साल के थे और काफी समय से उनके लिवर की बीमारी का इलाज दिल्ली के ILBS अस्पताल में चल रहा था। शक्तावत के निधन पर सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत कई नेताओं ने दुख जताया। उदयपुर की वल्लभ नगर विधानसभा सीट से विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत को पायलट का करीबी नेता माना जाता था।
टीम इंडिया की टेस्ट सीरीज में शानदार जीत पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने टीम इंडिया की तारीफ की। आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया के अखबारों की एक तस्वीर शेयर की जिनमें बताया गया कि भारत की ये जीत वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी खास है। चेन्नई में बने पूर्व सीएम जयललिता के स्मारक की शुरुआत 27 जनवरी को होगी। तमिलनाडु में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में इस स्मारक की शुरुआत से पहले ही कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। दिलचस्प ये भी है कि इसी दिन भ्रष्टाचार के आरोप में सजा काटने के बाद जयललिता की करीबी शशिकला जेल से रिहा होंगी। आईपीएल 2021 के लिए छोड़े गए और रखे गए खिलाड़ियों की लिस्ट सभी टीमों ने बीसीसीआई को दे दी। न्यूज 18 के अमृत आनंद की रिपोर्ट है कि राजस्थान रॉयल्स ने स्टीव स्मिथ को छोड़ने का ऐलान किया और युवा बल्लेबाज संजू सैमसन को टीम का कप्तान बना दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अरोन फिंच को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके अलावा क्रिस मॉरिस, डेल स्टेन और मोइन अली को भी टीम ने छोड़ने का ऐलान किया। किंग्स 11 पंजाब ने ग्लेन मैक्सवेल, शेल्डन कॉटरेल और मुजीबुर रहमान को टीम से बाहर किया। चेन्नई सुपर किंग्स में इस बार केदार जाधव, मुरली विजय और पीयूष चावला नहीं होंगे, जबकि हरभजन सिंह पहले ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के कारण टीम से अलग होने का ऐलान कर चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने कीमो पॉल, जेसन रॉय और संदीप लमिछने को टीम से बाहर किया है, जबकि मुंबई इंडियंस ने तेज गेंदबाज लसित मलिंगा, जेम्स पैटिंगसन और नॉर्थन कुटुलाइनल को इस बार टीम में जगह नहीं दी है। अब 11 फरवरी को आईपीएल के 14वें सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी की जा सकती है, जिसमें वो सभी खिलाड़ी उपलब्ध होंगे जिन्हें उनकी टीमों ने छोड़ा है। लेखक जावेद अख्तर की मानहानि के मामले में मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री कंगना रनौत को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। जाने माने लेखक जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। मुंबई पुलिस की तरफ से भेजे गए नोटिस में कंगना को जुहू पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया है। जावेद अख्तर ने कंगना पर एक इंटरव्यू के समय अपने खिलाफ आधारहीन टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। जावेद अख्तर ने पिछले साल नवंबर में कंगना के खिलाफ अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई थी। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के लिए यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता शास्त्री भवन के बाहर पहुंचे और तेल की बढ़ी कीमतों के विरोध में उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा करने वाले सभी लोग शास्त्री भवन के अंदर पेट्रोलियम मंत्रालय के दफ्तर में घुसना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर सबको वहीं रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस से दूरी बनाकर रखी और सड़क पर ही अपना विरोध तेज कर दिया। ज्यादातर लोग नारे लगाकर हंगामा करते रहे, जबकि प्रदर्शन में शामिल यूथ कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने भैंस के पोस्टरों के आगे बीन बजाकर विरोध जताया। इतना ही नहीं, एक मोटरसाइकिल की अर्थी सजाकर भी तेल की बढ़ी कीमतों को कम करने की मांग की गई। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर भी नारेबाजी की। हालांकि पुलिस की सख्ती की वजह से उनका प्रदर्शन ज्यादा देर तक नहीं चल पाया।